एक कटोरी सूजी लेंगे, एक कटोरी थोड़ा कम दही डाल देंगे, दोनों को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, आधी चम्मच नमक डालेंगे, दो चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ अदरक किस के डाल देंगे, आप चाहें तो थोड़ा स्वाद अनुसार मिर्चा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से फेंट लेंगे इसको। दही पूरा सोख लिया है सूजी, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस तरह का बैटर चाहिए। एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे छोटी चम्मच से। सभी को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि सभी एक्टिवेट हो जाए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ मैं पहले से ग्रीस करके और थोड़ा मैदा छिड़क के रख लिए बर्तन में ताकि चिपके नहीं, बैटर इसमें डाल देते हैं। यहाँ गर्म पानी हो गया, इसमें अपना कटोरी के बैठा देते हैं। इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स, कुछ थोड़ा सा आपको जो पसंद हो वही डालिएगा। हम यहाँ डाल दे रहे हैं बादाम भुंजा हुआ। चलिए हो गया है 25 से 30 मिनट, यहाँ देख लेते हैं कंप्लीट हो गया, निकाल लेते हैं इसको। ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करेंगे इसको। ठंडा हो चुका है, यहाँ काट लेते हैं चारों तरफ से, अलग कर लेते हैं। अब इसे एक बर्तन में पलट लेंगे। देखिए कितना स्पंजी, कितना अच्छा बना है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। काट के बता रहे हैं इसको, बहुत जाली आया हुआ होगा, देख लीजिएगा। देखिए कितना स्पंजी है, पूरा जाली दिख रहा है, खाने में बेहद ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। लग लग